Hey guys, welcome back to a brand new video. तो यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीम गॉडलाइक से सिम्प के बारे में। तो क्या सिम्प अपने लाइव स्ट्रीम पर वॉचिंग बढ़ाने के लिए बॉट वॉचिंग का यूज करते हैं? क्योंकि कल जब सिम्प अपने यूट्यूब पर लाइव आता है तो बहुत लोग उनके चैट्स में बॉट वॉचिंग स्पैम कर रहा था। सच मुझ में बॉट वॉचिंग रहता है या फिर नहीं, इसको प्रूव करने के लिए सिम्प उसी टाइम अपने लाइव स्ट्रीम पर एक पोल क्रिएट कर देते हैं एंड अपने ऑडियंस को वोट करने के लिए बोलते हैं। अब यार इतना तो सबको पता है कि अगर बॉट वॉचिंग होगा तो बॉट तो पोल में वोट करने जाएगा नहीं, एंड जो भी रियल वॉचिंग रहेगा वो लोग जाके वोट करेंगे और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब यार आगे क्या होता है वो आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो। क्या पोल कैसे डालते हैं? पोल किस बात का पोल डालूं? हाँ एक सेकेंड, आर यू अ बॉट डालता हूँ और यस और नो डाल देता हूँ। This is a simulation game set in a virtual world. Moderation. Take frequent breaks and play responsibly. कुछ नहीं, बहुत लोग स्पैम कर रहे थे कि ये बॉट वॉचिंग है। मैंने पोल डाल दिया। अरे यार कितनी वॉचिंग आ रही तेरी जो बॉट वॉचिंग बोल रहे हैं? 18,000 आ रही है अभी तो। अब यार सिम जो पोल क्रिएट करते हैं उसमें वो लिखते हैं बॉट वॉचिंग यस और नो। अब यार यहाँ पे हम लोगों को यस एंड नो का परसेंटेज नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है टोटल कितने वोट्स किए गए हैं। तो उस टाइम पे उनका 13,000 लाइव वॉचिंग आ रहा था एंड टोटल 10,000 लोग उनके पोल में वोट किए थे। अब यार बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग टीवी में लाइव स्ट्रीम देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्ट्रीम ही देखने के लिए आते हैं, उन लोगों को ये सब चक्करों में पड़ना ही नहीं रहता, तो वो लोग हो सकता है वोट नहीं किए होंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा स्काउट अपने स्ट्रीम पर एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम है ब्लैक मिथ हुकोंग। एंड स्काउट ये चैलेंज लेते हैं कि वो तब तक स्ट्रीम करेंगे जब तक वो ये गेम खत्म नहीं कर लेते हैं। फाइनली कल जाकर के स्काउट ये गेम कंप्लीट करते हैं एंड उनका टोटल ये वाला स्ट्रीम अराउंड 30 आवर्स तक चलता है। एंड स्काउट के स्ट्रीम पर उनके फैंस की तरफ से क्रेजी सपोर्ट देखने को मिला। एंड गेम के कंप्लीट हो जाने के बाद फैंस के इतने तगड़े सपोर्ट पर स्काउट का क्या रिएक्शन रहता है उसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही इन फ्यूचर क्या हम लोग ऐसा टाइप का और भी स्ट्रीम देखने को मिलेगा, स्काउट इस चीज पर भी रिप्लाई करते हैं एंड वो अलग क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दिस वाज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट। मुझे जिस हिसाब से आपने मेरे को सपोर्ट और प्यार और सब दिया ना मोटिवेशन, मां कसम मैं मेक श्योर करूंगा अपना जो ऐसे मैराथन स्ट्रीम विल बी अ फकिंग सिनेमा। आप लोगों लगे आप मूवी में घुस गए भाई, भाई अगर अगला गेम आपको बताओ ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ब्रो। इट विल बी अ फ्रीकिंग डिफरेंट गेम, मतलब स्वाद माहौल बदल देंगे अपन। वी विल बी इन द गेम, अगला वाला क्रेजी रहेगा, जो भी रहेगा आई डोंट नो क्या रहेगा अगला गेम। मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा, कम्युनिटी पोस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैं हर जगह पूछूंगा आप लोग से, जो भी बेस्ट गेम आपको देखना रहेगा हम उसके हिसाब से करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नियो के बारे में। तो नियो अभी कॉम्पिटेटिव में कम बैक करने का फुल ट्राई हार्ड कर रहे हैं एंड पिछले 7 दिन से वो अपने स्ट्रीम पर स्क्रिम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट ऑफिशियल्स तक नियो एक खतरनाक वाला कम बैक करे। बटर कल के स्ट्रीम पर नियो के चैट में एक बंदा कहता है कि वो 4 दिन के लिए ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बन गए थे एंड उसके बाद वो वापस अपने स्ट्रीम पर रिएक्शन देने लगे एंड फिर इस हेटर को नियो क्या रिप्लाई देते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखो पीएलपी भाई का कहना है नियो एज आई सेड बिफोर 4 दिन की चांदनी है एंड ब्रो बैक अगेन विद हिज रिएक्शन बकचोदी क्लैप गाइस। तो पीएलपी भाई जरा मेरा स्ट्रीम है ना रिवाइंड करो और मैं किससे खेलना स्टार्ट किया हूँ, स्क्रीम्स खेल रहा था मैं, फोन बिना चार्ज करे स्क्रीम्स खेल रहा था मैं, ठीक है। मेरा वाईफाई गया, मेरा नेट गया, अगर मैं चाहता था तो वापस भी नहीं आता था, बंद करके कल ही स्क्रीम्स खेलता था। मैं सोचा अगर कर ही रहा तो अच्छे से एक और घंटा कंप्लीट करता स्ट्रीम आज की मेरी कंप्लीट करता हूँ, मन को शांति रहेगा मेरे कि मैंने कुछ तो काम किया आज, कुछ तो काम किया। और जो 2 दिन का ब्रेक हुआ उसमें मैं कह के गया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, समझे। ये यही लोग रहते हैं जो मतलब खुद के लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। पीएलपी भाई आप बताओगे आपने अपने मॉम डैड के लिए क्या करा है या अपने आप सक्सेसफुल होने के लिए अपने क्या करा है लाइफ में? 4 दिन खेला, 4 डे बकचोदी करी, कौन सी बकचोदी करी भाई, डॉक्टर के पास गए, जेन्युइन रीजन नहीं है कोई, मतलब बच्चा बच्चा हो गया दिमाग से, नहीं करना तो मत करो भाई सपोर्ट, बट ये नैरेटिव तो मत पोर्ट्रे करो, सिंपल सी बस स्ट्रीम रिवाइंड करके देखो क्या खेल रहा था मैं। इसको दो जरा टाइम आउट अपने यहाँ से, ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेगल्टोस के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि रेगा की टीम बीएमपीएस के आगे के राउंड्स क्वालिफाई नहीं कर पाया एंड उनकी टीम बीएमपीएस से बाहर हो गया। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इन फ्यूचर रेगा और भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स खेलेंगे या फिर यही उनका आखिरी ट्राई था कॉम्पिटेटिव मैचेस में। इस चीज का रिप्लाई रेगा खुद करते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये आपका लास्ट ट्राई था, आपका आगे का प्लान क्या है ई-स्पोर्ट और कंटेंट में? कंटेंट तो अपना खेलते तो रहेंगे, वो कंटेंट ही बन जाएगा अपने आप। स्ट्रीमिंग करनी है साथ में और खेलना है स्पोर्ट्स साथ में, क्योंकि स्ट्रीमिंग नहीं जरूरी है क्योंकि हम सैलरी बेस्ड तो है नहीं, तो हमें भी अपना चलाना है, पेट भी भरना है, पेट भी भरना है और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। ई-स्पोर्ट्स में खेलते रहेंगे, ट्राई करते। अब आप स्टेप डाउन नहीं करेंगे? नहीं नहीं, स्टेप डाउन का पॉइंट नहीं। अब आप हैं फुल ऑन? हाँ आप ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड वाले मोड में? वो सक्सीड भी नहीं, ट्राई उसका आप सोच के करूंगा तो फिर कभी हो नहीं पाऊंगा। करेक्ट, ये बात तो है। उसके बाद फिर सिम्प के चैट्स में से उनका एक फैन उनसे कहता है कि वो चाहता है कि इस बार सिम्प एमवीपी बने। इस चीज पर सिम्प का क्या रिप्लाई रहता है वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। भाई मैं आपके मैचेस देखता हूँ, मुझे आप एमवीपी चाहिए, आप सर्वाइव क्या करो, गोडल ट्रॉफी उठाएगी। अरे मतलब ऐसा एमवीपी बनने के लिए तो नहीं खेल सकते, टीम गेम ही खेलते हैं सबके सब, समझ रहे हो, जिसके किल्स हो गए हो गए, ऐसा रहता है, कभी कोई ज्यादा किल मार देता है, कभी कोई ज्यादा किल मार देता है, तो टीम गेम ही खेलते हैं। लेकिन इस बार ट्रॉफी अपनी भाई फुल ट्राई हार्ड है, फुल ट्राई हार्ड, हम 5 और 6 लोगों, 6 लोग जो भी है पूरा घस रहे हैं।
उसके बाद फिर आरओ के पर्सपेक्टिव से उनके टीम से एकेओपी एंड गॉब्लिन में से कौन ज्यादा बेटर है वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। गॉब्लिन इज बेटर देन एकेओपी एनी डे। आपका पर्सपेक्टिव है बट मेरा टीममेट एके है एंड बीजेएमएस में मेरा टीममेट ही एमवीपी बना था, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी टीममेट के लिए बायस हूं या कुछ भी, बट पास्ट एंड रीसेंट इवेंट के बेस पे एकेओपी डेफिनेटली। उसके बाद फिर नियो बात करते हैं वैक्सी के बारे में एंड वो बताते हैं कि जब वैक्सी बहुत छोटे थे तभी से नियो वैक्सी के साथ खेल रहे हैं एंड उतने छोटे उम्र में भी वैक्सी आईपैड में बहुत खतरनाक खेलते थे एंड वो अलग ले पे आप लोग देख सकते हो। वैक्सी यार वैक्सी एकदम छोटा था जब मैं उसके साथ खेलता था, कितना छोटा था वैक्सी, वैक्सी कितने साल के बताएंगे, वैक्सी एकदम बाबू जी था, छोटू सा था भाई, उसकी आवाज पतली सी एकदम, और तभी वैक्सी आईपैड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था इंडिया का भाई, जो मारता था ना आईपैड पे वैक्सी, भूत बनाता था भूत, ऑक्सी वैक्सी नाम था इसका, ऑक्सी वैक्सी। उसके बाद फिर रेगल्टोस अपने स्ट्रीम पर वैलोरेंट खेल रहे होते हैं तो एक बंदा उनसे बोलता है कि भाई स्क्रिम्स खेलो एंड इसका रिप्लाई देते हुए रेगल्टोस बताते हैं कि वो एक नया और एक तगड़ा टीम ढूंढ रहा है अपने नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव मैचेस के लिए एंड वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। भाई स्क्रिम्स खेला से पैसे नहीं, हैशटैग फैन, अरे फैन भाई रुक जाओ, टीम भी देखनी पड़ती है भाई, स्क्रिम्स खेलो क्या होता है, वापस नहीं खेलना चाहता भाई मैं ऐसे कि मैं चुप जाऊं, चुप रहो, हैशटैग फैन बोल के ना कुछ मत लिखो भाई, एक तगड़ी स्क्वाड बना लो, यस यस अगर मैं तगड़ी बनाएंगे। उसके बाद फिर आतंकी से एक बंदा पूछता है कि अगर खुद की टीम को छोड़ करके उनको एक मौका मिलता कि वो अपनी ड्रीम टीम बना सके तो ऐसे कौन से प्लेयर्स है जिनको वो अपने ड्रीम टीम में रखना चाहेंगे, तो फिर आतंकी जो अपना ड्रीम टीम बताते हैं उसमें ना ही जोनाथन रहते हैं एंड ना ही एडमिनो एंड जिस वजह से लोग उनको बोलने लगते हैं कि वो गॉडल हेटर है। इस चीज पर आतंकी क्या रिप्लाई करते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ड्रीम टीम खुद के टीम छोड़ के अच्छा मेरा ड्रीम ड्रीम हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे यार आज की डेट में, तो इतने सारे प्लेयर्स हैं कि खुद की टीम छोड़ के ड्रीम टीम बनाई जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमें मेरी ड्रीम टीम में होंगे नकुल, मैं खुद हूँगा एक, तो एक मैं, एक नकुल, एक निंजा बॉय और एक नियो, चार हैवी गाइस, हैवी हो जाएगा, हैवी सीन इंडिया में देखा जाए तो, बाहर का तो भाई देखना सही है ना, तगड़ी टीम बन जाएगी। एडमिनो जॉनी क्यों नहीं, यू हेट गॉडल, नहीं ब्रो मैं तो जॉनी को तो एडमायर करते हैं यार मैं हमेशा से, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो अगर एक साल या डेढ़ साल पहले आप बोलते तो मैं ले, तो फिर मैं लेता, समझ रहे हो, जॉनी को फिर तो 100% जॉनी मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई पर्सनल वैसे देखा जाए तो, लेकिन बात ऐसी है ना कि जोनाथन भाई थोड़ा सीन, एडमिनो अभी एडमिनो के साथ यार, एडमिनो का भी गेम प्ले अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया है अच्छा खेलता है, बहुत क्लच क्लच प्लेयर लगता है मेरे को एडमिनो, लेकिन मेरे को जो बाकी सारे हैं ना उनके साथ ज्यादा बढ़िया लगता है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं टीम एंग्री स्वान ईस्पोर्ट्स के बारे में एंड इस टीम ने रीसेंट मैचेस में 19 किल्स के साथ चिकन डिनर निकाला था एंड वो भी लास्ट बंदे को उन्होंने पैन किया था, तो यार स्नेहिल ओपी अपने लेटेस्ट वीडियो में इस टीम को एक्सपोज करते हैं एंड वो कुछ प्रूफ सामने रखता है जिसका छोटा सा क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखो इन लोगों की होती है एक स्ट्रेटजी, डायरेक्ट बुथर भाई ने यहाँ पे मुंह पे गाड़ी लगाई, इनके ना दो बंदे या एक बंदा कम से कम ईएसपी लगा के खेलता है जिस भी मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस मैच में, उसके बाद में ये ईएसपी लगा के इनको लोकेशन पता होती है तो ये उठाते हैं जितने ज्यादा ग्रेनेड हो सकते हैं उतने ज्यादा। देखो देवा भाई ग्रेनेड उठा के सीधा वहीं फेंकेंगे जहां पे बंदा होगा, डायरेक्ट उसके ऊपर आएगा। अब ये ग्रेनेड इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि यार अब अगर डायरेक्ट स्मोक में मार देंगे या कहीं पे भी स्पॉट करके डायरेक्ट मारने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स रिटायर में आ जाएंगे, नोटिस में आ जाएंगे। देखो ये नेड फेंका उससे भी डैमेज आया, इसके बाद रॉबिन ने अपनी पूरी लोकेशन चेंज करी है, दिवे का फिर से नेड आएगा एग्जैक्ट वहीं पे जहां पे रॉबिन होता है, एग्जैक्ट इतने जबरदस्त लोग ग्रेनेड्स करते हैं। अच्छा देखो यहां पे एचएच ने नॉक कर दिया प्रतीक को, इनकी टीम का एएस की टीम का केवल एक ही अकेला दिवे बचा हुआ है, ठीक है वो लोग आएंगे, वो लोगों का एक भी ग्रेनेड आसपास कहीं पे भी नहीं लग पाएगा, देखो ये इधर उधर नेड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में ये रिवाइव हो जाएगा, मूवमेंट देगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे किसी का ग्रेनेड कनेक्ट नहीं होगा, किसका कनेक्ट होगा, देखो इस टाइम पे क्रिप्टो ने भी ग्रेनेड खोल रखा है, देवे ने भी खोल रखा है, क्रिप्टो का हल्का सा भी डैमेज नहीं पड़ेगा, देवे भाई का डायरेक्ट नेड आएगा, क्रिप्टो देखो एकदम 10 एचपी हो गया, दिव्य को तो ग्रेनेड लगा नहीं, इसके बाद में दिव्य का दूसरा ग्रेनेड आएगा वो भी एकदम स्मोक के बीच से, पीछे जो गाड़ी पार करी थी काफी पीछे स्मोक के, उसके भी पीछे बंदा खड़ा था उसको जाके कनेक्ट होगा नेड, कहां पे तुम्हें पता है ऑब्वियसली क्रिप्टो के ऊपर। इसके बाद में ये आराम से इधर देख रहे होते हैं, अचानक से इनको स्पॉट हो जाता है गेंजी, उसको भी गिरा दिया सीधा, फिर अचानक से दिव्य भाई ओपन में आते चले जाते हैं बिना स्मोक करे, एकदम ओपन में आएंगे, सांप भी नहीं बनेंगे भाई साहब, फायर करना शुरू कर देंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि अगर इस तरीके से बंदा मरेगा ना इतने ओपन से तो किसी को भी शक नहीं जाएगा, किसी को लगेगा ही नहीं कि दिव्य नाम का बंदा भी ईएसपी लगा रहा है। तो इस टीम के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे जरूर से बताना नीचे कमेंट्स में। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना, अगर आप लोगों को वीडियो जरा से पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ऐसी डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड वो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी इनेबल कर देना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।